अच्छा टॉपिक का नाम है रिपेयर ऑफ ब्रोकन बोन। हड्डी के टूट जाने के बाद रिपेयर होना, आज देखते हैं कि हड्डी टूटी है तो कैसे रिपेयर होती है। बड़ा आसान सा टॉपिक है, सिंपल सा टॉपिक है और मेरे बच्चे रिपेयर करने का तरीकाकार आपको पता होना चाहिए क्योंकि आप मेडिकल के स्टूडेंट हैं। मेरे बच्चे जब भी इंसान की हड्डी टूटती है यंग एज के अंदर, तो ये जो फ्रैक्चर होता है ना, ये जो ट्रामा आता है रिजल्ट फ्रॉम ट्रामा, ये जो फ्रैक्चर हुआ है कब होता है? अक्सर मेरे बच्चे हड्डी टूटती है यंग एज के अंदर जब वो इंसान स्पोर्ट कर रहा होता है, खेलते खेलते नीचे गिर जाता है, या ऑटोमोबाइल एक्सीडेंट होता है जब इंसान ट्रैफिक के अंदर जाता है और एक्सीडेंट करवा के बैठ जाता है, उस वक्त हड्डी टूट जाती है। और इवन के जब फॉल कहीं पे गिर जाता है, छत तो गिर गया, वो जत्थो मर्जी थले डिग गया, तो मेरे बच्चे उसकी क्या होती है, बोन फ्रैक्चर हो जाती है। तो फ्रैक्चर होने के डिफरेंट वजह यंग एज के अंदर, हड्डी का टूटने के डिफरेंट वजह। ओल्ड एज के अंदर बेचारा बुजुर्ग है, आपको पता हड्डियाँ थिन हो चुकी हैं, वीक हो चुकी हैं, अब फ्रैक्चर जो होता है वो अक्कर हो जाता है मोर फ्रिक्वेंटली, वो बेचारा वॉशरूम में जाते जाते गिर जाता है, तो हड्डी टूट जाती है। ओल्ड एज में हड्डी टूटना बड़ा कॉमन है क्योंकि हड्डियां बड़ी कमजोर हो चुकी हैं। अब हड्डी टूट गई तो उसका इलाज किया जाएगा, उसको जोड़ा जाएगा। कैसे जोड़ा जाएगा? उसको ट्रीटेड किया जाता है रिडक्शन के जरिए से। हम उसके नाम देती हैं हड्डी के जोड़ने का रिडक्शन, फॉलोड बाय रीअलाइनमेंट, उसको दोबारा रीअलाइन किया जाएगा। किसको बेटा? ब्रोकन बोन की है, ब्रोकन बोन्स एंड को। जैसे ये हड्डी टूटी है, ये एक ऊपर पीस चला गया एक नीचे, इसको दोबारा रीअलाइनमेंट किया जाएगा, दोबारा अपनी पोजीशन पे लाकर ऐसे जोड़ दिया जाएगा। अब ये रीअलाइनमेंट करने के दो तरीके हैं, एक होता है क्लोज रिडक्शन, एक होता है ओपन रिडक्शन। क्लोज रिडक्शन में क्या होता है, आपके पास डॉक्टर के पास लेकर जाया जाएगा और डॉक्टर हाथों से पकड़ेगा, ऐसे सीधा करके उसको सीधा करने की कोशिश करेगा, और सीधा जब हो जाएगी तो फिर जाके उसको कहा जाएगा इसको ऊपर जाके पट्टी करवा लो या प्लसर करवा लो। तो क्लोज रिडक्शन में क्या होता है कि जो बोन्स एंड है उसको कोक्स किया जाएगा, दोबारा पोजीशन पर लाया जाएगा, बैक टू देयर नॉर्मल पोजीशन बाय फिजिशियन हैंड अपने हाथों से। और अक्सर पहलवानों के पास जाते हैं लोग और चीखे निकलवा निकलू कर उसको सीधा करवा के कहते हैं हड्डी जुड़ चुकी है, और अक्सर हड्डी गलत ही जुड़ती है क्योंकि पहलवान डॉक्टर थोड़ा है, तो बेटा डॉक्टर के पास जाया करें। ओपन रिडक्शन में क्या होता है, जब हड्डी टूट जाती है तो हड्डी जहां पर टूटी है उसको काटा गया, सर्जरी की गई, उसको आपस में स्क्रू के जरिए जोड़ा गया या प्लेटें डाले गई। ये उस वक्त होता है जब इंसान की हड्डी को सर्जरी के जरिए जोड़ा जाता है, वो ओपन रिडक्शन होता है, मतलब कि बोन्स एंड secured together with pins and wires। तो उसको क्या किया जाता है, पिन्स के जरिए से वायर्स के जरिए से आपस में जोड़ा जाता है। तो सर्जरी वाला प्रोसेस ओपन रिडक्शन है, और हाथों वाला प्रोसेस जिसमें सर्जरी नहीं होता, खोला नहीं जाता हड्डियों को, वैसे ही मेरे बच्चे आपस में हाथों के जरिए सीधा किया जाता है, क्लोज रिडक्शन कहलाता है। मेरे बच्चे जब भी हड्डी टूट जाती है आफ्टर बोन, मेरे बच्चे उसको इमोबलाइज करने के लिए, उसको हिलने से रोकने के लिए उसको कास्ट किया जाता है या ट्रैक्शन किया जाता है, मतलब प्लस्टर वगैरह किया जाता है ताकि अलाउ किया जाए हीलिंग प्रोसेस को, ताकि वहाँ प्रॉपर तरीके से हीलिंग हो सके। ये ना कोई हड्डी आपस में सीधी तो कर ली है मगर उसको प्लसर नहीं किया, उसको पट्टियाँ नहीं किया, उसको अंदर प्लेटें नहीं डाली, तो इंसान चल रहा है तो हड्डी दोबारा अपनी पोजीशन से हट जाएगी। इसके लिए उसको मेरे बच्चे क्या किया जाता है, कास्ट या ट्रैक्शन किया जाता है। हीलिंग जो टाइम होता है वो 8 से 12 वीक्स होता है, एक हड्डी जुड़ जाती है। बेसिकली ये जो हड्डी का जुड़ना होता है ना, ये एज के ऊपर बेस करता है। अगर एज ज़्यादा है तो हड्डी जल्दी नहीं जुड़ती, उसको टाइम लगता है। और अगर हड्डी बड़ी वाली है, जैसे आपकी टांग की हड्डी फीमर या पेल्विक बोन है, उसको भी टाइम ज्यादा लगेगा। जितनी वेट बेयरिंग जो सी बोन्स होती हैं उसको टाइम लगता है, और इवन जितना एज ज्यादा होगा उसको टाइम लगता है। यंग एज में जल्दी फ्रैक्चर रिकवर हो जाता है, और हड्डी छोटी है हाथ की है उंगलियों की है तो वो भी जल्दी रिकवर हो जाती है। तो हीलिंग टाइम जो सा तो बेस करता है एज के ऊपर और टाइप्स ऑफ बोन के ऊपर करता है। अब मेरे बच्चे हड्डी के जुड़ रही है, उसको हमने रीअलाइन करके रख दिया है, अब क्या क्या होगा? तो सबसे पहले हीमाटोमा बनेगा। जब हड्डी टूटने के बाद आपने जोड़ दिया है तो सबसे पहले क्या बनेगा? हीमाटोमा। हीमाटोमा क्या होता है? मैस ऑफ क्लोटेड ब्लड, वहाँ पे मैस ऑफ क्लोटेड ब्लड आएगा, फॉर्म एट द फ्रैक्चर साइट, जहाँ पे फ्रैक्चर हुआ वहाँ पे क्लोट होगा ब्लड का, और कुछ अरसे बाद सून आफ्टर बोन सेल डिप्रीव, वहाँ पे हड्डी के सेल मरना शुरू हो जाएंगे क्योंकि बेटा फूड बिगन्स टू डाई, वहाँ पे सेल के जो डिप्राइव हो जाएगा फूड, खुराक ना मिलने के वजह से वो सेल मरना स्टार्ट हो जाएंगे। द टिश्यू एट द फ्रैक्चर साइट बिकम स्वेल एंड पेनफुल और हैंड्स पेनफुल, और वहाँ पे जो पार्ट था फ्रैक्चर वाली जगह वहाँ पर आपको स्वेलिंग नज़र आएगी,
पेन हो रही होगी, वो पेन क्यों हो रही है, स्वेलिंग इसलिए हो रही है क्योंकि वहाँ पे खुराक की कमी हो चुकी है, फूड की सप्लाई रुक चुकी है क्योंकि ब्लड वेसल भी कट चुकी होगी, तो वहाँ पे सेल के डैमेज और डाई होने की वजह से वहाँ पे आपका स्वेलिंग नज़र आएगी, पेन नज़र आएगी और वहाँ पे हैमरेज मतलब कि मैस ऑफ क्लोड ऑफ ब्लड नज़र आएगा, वहाँ पे जमा हुआ खून आपको नज़र आएगा जहाँ पे फ्रैक्चर हुआ था मेरे बच्चे, उस वक्त कहते हैं देयर कॉल्ड हीमाटोमा फॉर्मेशन। मतलब सबसे पहले जब हड्डी टूटती है तो वहाँ पे खून का लोथड़ा बनता है, देयर कॉल्ड हीमाटोमा फॉर्मेशन। जब काफी अर्सा गुजरेगा मतलब 3 से 4 वीक गुजरे तो कैलस फॉर्मेशन होगा, कैलस बिगिंस टू फॉर्म इन 3-4 वीक्स, 3 से 4 हफ्तों के बाद कैलस बनना शुरू हो जाएगा। कैलस कैसे बनेगा, कैलस मेरे बच्चे वहाँ पे कैप्रीज ग्रो करना शुरू कर देगी हीमाटोमा के अंदर, जो क्लियर करेगी डेब्रिस, जितनी भी गंदगी होगी वहां पर उसको क्लियर होना स्टार्ट हो जाएगी और वहाँ पे कैपिलरीज ग्रो करेगी और हीमाटोमा के अंदर पेनिट्रेट करते जाएंगे और वहाँ पर फाइब्रोब्लास्ट आएगा और ऑसियोब्लास्ट। आपको पता था ऑसियोब्लास्ट बोन के सेल्स होते हैं और फाइब्रोब्लास्ट कार्टिलेज के सेल्स होते हैं जो कि माइग्रेट करते हैं फ्रैक्चर के अंदर और बिगिन करते हैं टू कंस्ट्रक्ट बोन, वहाँ पे हड्डी को बनाना स्टार्ट कर देते हैं। फाइब्रोब्लास्ट जब आएगा, ऑसियोब्लास्ट जब आएगा तो मेरे बच्चे कैलस की फॉर्मेशन होगी जो कि सॉफ्ट कैलस होगा, एक नरम सी कुड़कुड़ी सी हड्डी बनना स्टार्ट हो जाएगी। अब वो कुड़कुड़ी हड्डी सख्त हड्डी में चेंज होगी, उसको कहेंगे बोनी कैलस है। बोनी कैलस उस वक्त बनता है जब ओस्टियोब्लास्ट और ओस्टियोक्लास्ट आता है, दोनों हड्डी के सेल्स होते हैं, बोन्स के सेल्स हैं, ओस्टियोब्लास्ट भी ओस्टियोक्लास्ट भी, दोनों कंटिन्यू माइग्रेट करते हैं इनवर्ड अंदर की तरफ पेनिट्रेट करते रहते हैं कैलस के अंदर और मल्टीप्लाई करते हैं रैपिडली और ग्रेजुअली कन्वर्ट करते हैं सॉफ्ट कैलस को किसके अंदर बेटा, बोनी कैलस के अंदर। और जो बोन्स है उसकी फॉर्मेशन होती है 3 से 4 हफ्ते के बाद आफ्टर इंजरी और कंटिन्यू करती है और अंटिल जब वो सख्त ना हो जाए, यूनियन इज फॉर्म विद इन द 2 से 3 मंथ लेटर मेरे बच्चे, उसके बाद 2 से 3 महीनों के बाद वो सख्त होना स्टार्ट हो जाती है और वो आपस में यूनियन मतलब कि वो आपस में जुड़ना स्टार्ट हो जाती है और ये बोनी कैलस जो है वो बनना स्टार्ट उस वक्त होता है जब ओस्टियोब्लास्ट ओस्टियोक्लास्ट आता है जो कंटिन्यू माइग्रेट करता है किसके अंदर बेटा, कैलस के अंदर। अब मेरे बच्चे अर्सा गुजरने के बाद अब रीमॉडलिंग होगी, रीमॉडलिंग का मतलब जैसे हड्डी पहले थी टूटने के बाद वैसे के वैसे दोबारा पहली हालत में आ जाना, देयर कॉल्ड रीमॉडलिंग है। मतलब कि आफ्टर सेवरल मंथ काफ़ी मंथ गुजरने के बाद जो बोनी कैलस है वो रीमॉडल्ड हो जाएगी बाय द एक्सेस मटेरियल ऑन द आउटसाइड ऑफ द बोन, जो कि रीमॉडल होगी बाय द एक्सेस मटेरियल ऑन द आउटसाइड ऑफ द बोन की जरिए से और फाइनल स्ट्रक्चर ले आएगी, रीमॉडल्ड एरिया जो उनका वो रिजेंबल करेगा डैट ऑफ द ओरिजिनल अनब्रोकन बोन, जैसे वो अनब्रोकन पहले बोन थी सेम टू सेम वैसा रिजेंबल करता वो स्ट्रक्चर आ जाएगा, इसको रीमॉडलिंग कहते हैं। और बिकॉज इट रिस्पॉन्स टू द सेम सेट ऑफ मैकेनिकल स्टिमुलाई और वो ऐसे ही रिस्पॉन्स शो करेगी जैसे वो पहले रिस्पॉन्स शो करती थी एक्सटर्नल या मैकेनिकल स्टिमुलाई से, तो मेरे बच्चे इस प्रोसेस को नाम देते हैं दे आर कॉल्ड रीमॉडलिंग है, दे आर कॉल्ड रीमॉडलिंग है और इसको नाम देते हैं रिपेयर ऑफ प्रोसेस ऑफ ब्रोकन बोन, जो कि आसान और सिंपल सा टॉपिक था। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।